और ये मैंने मिक्स गोटी में लिया है, आप जैसा चाहें वो ले सकते हैं। गोश्त 3 से 4 अदद हम इसमें साबुत मिर्ची डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूँ। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो शादी ब्याह के अंदर कढ़ाइयाँ और कौरमे जो है वो देख के अंदर बनाए जाते थे, लेकिन अब 8-10 साल से 70% शादियों के अंदर लाइव कढ़ाई का सेटअप लगाया जाता है। आज भी मैं आप लोगों के लिए शादियों वाली व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आया, तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि शादियों में बनने वाली व्हाइट कढ़ाई घर पर किस तरह से बनाई जाती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई को मैंने अभी धोया था और इसको मैंने खुश्क नहीं करा आप लोगों को दिखाने के लिए। जब आप इस तरह की कढ़ाई को धो लेते हैं, लोहे की हो या सिल्वर की, तो आपने जो है फ्लेम को ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से गर्म करना है। अगर आप इसको गर्म नहीं करते तो जो हम इसके अंदर चिकन डालेंगे वो नीचे सारा चिपक जाएगा और आपका जो है वो चिकन ख़राब करेगा। ठीक है जी, देखें यहाँ पर कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे मुझे इसे अच्छी तरह गर्म करने के अंदर और ये अच्छी तरह देखें काली भी हो चुकी है और इसमें से धुएँ जो है वो निकलना बंद हो गए। एक दफ़ा गर्म होने के बाद इसके धुएँ बंद हो गए। अब हम इसमें 3-4 कप ऑयल डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वसीम भाई ये 3-4 कप ऑयल कितना होता है, तो ये 100 ग्राम होता है। अगर आप हाफ कप लेते हैं तो वो 120 ग्राम होगा। ठीक है जी, 1/2 kg हम इसमें चिकन डालेंगे और ये मैंने मिक्स बोटी में लिया है, आप जैसा चाहें वो ले सकते हैं गोश्त। अब हम इसके साथ ही 1 teaspoon नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 tablespoon हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1/2 tablespoon हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट कलर चेंज होने तक। देखें 4 मिनट हो चुके हैं चिकन की भुनाई करते हुए। अब हम इसमें 1/2 cup दही डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम को मैं लो कर दूंगा। अब हम इसको लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। देखें 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक जो है हमारा पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगा। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। 1/2 tablespoon कुटा और भुना हुआ धनिया डालेंगे हम इसमें। ठीक है जी, हाथ से कुटा था हमने। 1/2 tablespoon हम इसमें जीरा डाल देंगे कुटा और भुना हुआ। 1/2 tablespoon हम इसमें सफ़ेद मिर्ची डाल देंगे वाइट पेपर। 1/2 tablespoon हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे चॉप की हुई। 3 से 4 अदद हम इसमें साबुत मिर्ची डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हम इसके मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे। देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसमें मिल्क क्रीम डाल देंगे और ये मेरे पास 6 टेबल स्पून मिल्क क्रीम है। 1 से 1.5 मिनट हम इसको मजीद कुक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे बारीक कटा हुआ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी व्हाइट कढ़ाई किस तरह की बनी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।